नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं प्रशांजा आजाद सिपाही यूट्यूब के आज का अखबार हमारे साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज के झारखंड के अखबार में प्रधानमंत्री का टीकाकरण को लेकर देश के 48 जिलों के डीसी के साथ हुई बैठक को प्रमुखता से जगह दी गई है। इस बैठक में झारखंड के 9 जिले गढ़वा, पलामू, पाकुड़, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, गोड्डा और देवघर के डीसी भी शामिल हुए थे। ये वे जिले हैं जहां 50% से कम टीकाकरण हुआ है। पीएम ने घर घर टीका का मंत्र दिया। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क घटाया है। डीजल पर 10 रुपये और पेट्रोल पर 5 रुपये उत्पाद शुल्क घटाने की घोषणा की है। इसका असर पेट्रोल डीजल के कीमत पर पड़ेगा। राज्य में पेट्रोल 6 रुपये और डीजल 12 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे आज से। इसके अलावा एक खबर है, जनप्रतिनिधियों पर दर्ज आपराधिक मामलों का स्पीडी ट्रायल से निपटाने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। जीपीसी सिविल सेवा की परीक्षा जनवरी में होगी। पब्लिक अफेयर इंडिया ने 2021 का इंडेक्स जारी किया, इसमें झारखंड विकास के मामले में 3रे स्थान पे है। इन खबरों को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। एक खबर नौकरी से संबंधित है। इससे राज्य सरकार ने एक अध्ययन के लिए कमेटी का गठन किया था। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने रिक्तियों और पदोन्नति को लेकर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। रिपोर्ट में कमेटी ने कहा है कि नौकरी में ST SC जो हैं उनकी संख्या कम है और पदोन्नति में बनाए रखने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 3,01,198 सरकारी पद रिक्त हैं। पदोन्नति के आधार पर 57,182 पद भरना है। वहीं 2,44,016 पद सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले हैं। यानी सरकार को रिक्तियों का एक खाका मिल गया है। पदोन्नति देने के लिए कितने पद हैं ये भी एक मिल गया है। तो अब जहां नौकरी कर रहे लोगों को पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है, वहीं युवाओं को नौकरी देने के लिए परीक्षा लेने या अन्य तरह की व्यवस्था करने के लिए भी एक उम्मीद जगी है। उम्मीद है कि राज्य सरकार इस संबंध में जल्दी कदम उठाएगी। युवाओं को नौकरी मिलेगा, जो पदोन्नति के इंतजार में लंबे समय से बैठे हुए उन्हें पदोन्नति मिलेगी। इन खबरों को आप हमारी वेबसाइट www.azadsipahi.com पर पढ़ सकते हैं, हमारे ई पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर इनमें से कुछ खबरों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज दीपोत्सव है और आज़ाद सिपाही के सभी दर्शकों, सभी पाठकों, सभी लोगों को आज़ाद सिपाही की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आज अखबार बंद रहेंगे, इसलिए कल आपके सामने इस कार्यक्रम को लेकर नहीं आएंगे। शनिवार को आपके साथ फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।